जय हिंद दोस्तों, आज हम फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर सोनी फोन के बारे में बताने वाले हैं भाई, जो कि देख सकते हो सोनी का फोन का नाम, डिजाइनिंग, सब कुछ काफी खतरनाक लेवल का स्पेसिफिकेशन इसमें नहीं आता भाई, क्योंकि प्राइजिंग मस्त होता है तभी स्पेसिफिकेशन खतरनाक होता है। तो यह फोन यूरोप के मार्केट में लॉन्च हुआ और US लॉन्च हुआ भाई, हम जैसे इंडियन गरीब आदमी के पास नहीं आया भाई। तो हम सोचे कि थोड़ा सा आप लोग को अनबॉक्सिंग दिखा देंगे और स्पेसिफिकेशन बता देंगे और प्राइजिंग बता देंगे, खुश हो जाइएगा देखकर। तो पहले आप लोग अनबॉक्सिंग देख सकते हो थोड़ा बहुत, जो कि भाई आजकल एप्पल, सैमसंग, सोनी, ये सब बड़े ब्रांड जो कि अपने फ़ोन में चार्जर देते नहीं है भाई, जो भी है देख सकते हैं। बाकी सोनी का भाई डिजाइनिंग देख सकते हैं, जो कि कोई खास नया है ना भाई, 3-4 साल पुराना डिजाइनिंग कोई फॉलो कर रहा अभी तक, ये देखकर काफ़ी बेकार लगा हमको। बात तो सही है हाँ, इसका बिल्ड क्वालिटी से तो भाई इसमें मेटालिक फ्रेम आएगा, बाकी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 सपोर्ट के साथ आएगा, फ्रंट एंड बैक के साथ आएगा। बाकी इसमें फ्रंट में ही स्पीकर कटआउट दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, तो यह चीज़ काफ़ी बेकार नहीं, काफ़ी ठीक भी नहीं लगा देखकर। बाकी स्क्रीन साइज से बात करें तो 6.5 इंच के साथ सुपर एमोलेड होने वाला है भाई, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, फुल HD होने वाला है, 1419 का पीक ब्राइटनेस के साथ होने वाला है। तो देख सकते हैं यही कुछ है डिस्प्ले के मामले में। बाकी पहले सोनी जो कि 4K डिस्प्ले डाला करता था अपने फोन में, गजब बेइज्जती है, इस पर बैटरी काफी बचा सकता है सोनी का फोन। बाकी बात रहा बैटरी से तो 5000mAh के साथ आएगा चार्जिंग, जो कि 30W होने वाला है, जो कि आजकल के कंपनी 240W भी दे रहा है, इन लोग केवल 30W देख सकते हैं। बाकी इसमें वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं आता है। बाकी इसका कैमरा सपोर्ट से बात करें तो 48MP के साथ होगा भाई, इसमें कौन सा सेंसर यह नहीं पता हमको। बाकी इसमें 12MP अल्ट्रा वाइड एंगल और 12MP पायरोस्कोप कैमरा के साथ होने वाला है, देख सकते हैं। बाकी सेल्फी जो कि इसमें भी 12MP के साथ होने वाला है। बाकी ऑप्टिकल जूम जो कि 7.1 के साथ हो सकता है, बाकी डिजिटल जूम कितना कर सकता है ये नहीं हमको पता भाई। बाकी सोनी का फ़ोन का जानते होंगे कि कैमरा के लिए काफ़ी जाना जाता है, सोनी वाले कहते हैं पर्सनली कि हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के लिए यह फोन लेकर आते हैं, आम इंसान के लिए यह फोन नहीं हम बनाते हैं। अरे हाँ भाई हाँ। बाकी इसका वीडियोग्राफी फोटोग्राफी गुड एंड बेस्ट है कि नहीं है इसके बारे में नहीं पता हमको भाई, जो था आप लोग को दिखा दिए। बाकी इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आएगा। बाकी रैम स्टोरेज से बात कर ले तो LPDDR5X रैम होगा और स्टोरेज UFS 4.0 के साथ होने वाला है, तो ये कुछ ताकत परफॉर्मेंस के मामले में। बाकी इसमें जो कि साइड माउंटर फिंगरप्रिंट आता है भाई, इतना बेहतर फोन होने के बाद भी। बाकी इसमें भाई IP68 रेटिंग के साथ आता है, मैं बाकी जो स्पेसिफिकेशन छूट रहा है आप लोग देख सकते हैं भाई, आप लोग के सामने है। हम यह नहीं कह रहे कि फ़ोन बेकार है और अच्छा है भाई। बाकी आप लोग सोच रहे हैं कि इसका प्राइजिंग क्या है, नहीं है तो प्राइजिंग बताते हैं भाई, जो कि 1300-1400 euros में जो कि लॉन्च हुआ भाई यूरोप के मार्केट में, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 1,17,000 बनता है भाई, जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ है। तो यही कुछ है भाई प्राइजिंग के मामले में। बाकी इस फोन में कुछ खास नया नेक्स्ट लेवल का चीज़ है नहीं भाई, तो भाई इतना प्राइजिंग देने का कोई सेंस नहीं बनता हमको लगता है, तो भाई इस फोन को इंडिया में तो नहीं लेके आने वाले। चूना लगा दिया। बाकी आप लोग बताइए यह फोन इंडिया में आता तो लेना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि सोनी का ब्रांड और एप्पल का ब्रांड देख कर भाई लेना पसंद करते हैं, हम उन लोग को भी जानते हैं। बाकी इस फोन के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं, काफ़ी सारे क्रिएटर का भी अनबॉक्सिंग आएगा, आप लोग देख लीजिएगा जरूर से, हम केवल थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाने की कोशिश किए हैं। बाकी जो भी पूछना कमेंट कर सकते हैं। बाकी यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चलिए अगले वीडियो में क्या होता है, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।